ये नहीं जिसको चाहो तो चाहो दे दो, हर एक को हर एक चीज नहीं दी जाए। हजरत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने वो खा लिया वो खाना जो लाया था गुलाम, बाद में पूछा कहां से लाए हो कि जमाने जाहिलियत में मैंने इनको कोई फूंक फांक किया था, आज उनके यहाँ शादी हो रही थी उसमें से मुझे उन्होंने कुछ दे दिया। फरमाया ये हमारे खाने की चीज नहीं है, ये तो निकालना जरूरी है, वरना हदीस में आता है जिस हराम के माल से जिस्म तैयार होगा यूं कि वो तो जहन्नम के काबिल है। फतवा नहीं दिया उन्होंने, निकाला सब। हजरत मौलाना सईद हसनुल्लाह अलैह फरमाते थे आज तो सारी दवाएं जबान पर लगाई जाती हैं, फरमाने लगे आज तो हाथ की दवा हो, पैर की दवा हो, आंख की दवा हो, कान की दवा हो, नाक की दवा हो, दिमाग की दवा हो, सब दवाएं लगाई जाती है जबान पर। उनका कहने का खुलासा यह है कि सारी बातें जबान से बताई जाती हैं, अमल में नहीं आती। ये हुक्म है, ये हुक्म है, ये हुक्म है। अलमारी में दवा खरीद कर बेच जी रखने से शिफा की उम्मीद न रखें, वो तो औकात पर खाई जाएंगी। जब एक शख्स की वजह से जकात न दे, जब एक शख्स की वजह से बारिश रुक जाए मूसा अलैहिस्सलाम की जाए कौम में, और उसी की वजह से हो जाए, अब कौन सा जाए वो असर नहीं होगा। पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से, आप तो कह रहे थे एक वजह से, एक आदमी की वजह से रोका है। फरमाया उसी की वजह से हो गई जिसकी वजह से रोकी, तोबा कर लिया उसने। हम ये चाहें कि हालात हमारे काबू में रहें और हम बेकाबू रहें, हरगिज मुमकिन नहीं, हरगिज मुमकिन नहीं। हालात तो लाएंगे तुझे झंझोड़ने के लिए और तुझे इम्तिहान में देखने के लिए, तो किसकी तरफ भागता है। हालात तो यकीनी चीज है, लेकिन हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हाल आने के लिए और हाल चढ़ाने के लिए है। बीमारी का हाल आया है आदमी को तोबा इस्तिगफार कराने के लिए और इसके गुनाहों को माफ कराने के लिए। बहुत दफा आदमी तंदुरुस्ती में वो अमाल नहीं कर पाता, फिर अल्लाह पाक उसको बीमार करते हैं, और बीमारी में जब वो सब्र कर लेता है फिर उस मायार को जो उसके लिए मुकर्रर है उस मायार पर बीमारी के अंदर बर्दाश्त से बजाते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गो हालात झंझोड़ने के लिए हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आए और कहकर चले गए नैनवा बस्ती के बाशिंदों को इराक में कि अजाब आएगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इराकी हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराकी हैं, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी इराक के रहने वाले हैं। युका अजाब आने के असबाब बन गए, मौसम खराब होने लग गया, बादल जो है इस तरह के आ गए। तो कौम ने ढूंढा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को, इसलिए कि कुरान में लिखा है अजाब नहीं आएगा दो चीजों के होते हुए, नबी मौजूद हो और नबी की कौम माफी मांगती हो, दो में से एक भी बात पाई जाएगी तो अजाब नहीं आएगा। ये तो कुरान की आयत का तर्जुमा है। वमा कान अल्लाहु लियअज़िबहुम वअन्त फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून। अब यूनुस अलैहिस्सलाम तो मिले नहीं, कह के चल दिए। कौम सारी जो है औरतों समेत, मर्दों समेत, बच्चों समेत टाट के पुराने कपड़े पहनकर आई मैदान में, तीन दिन तक रोती रही सारी कौम। यानी चंद आदमी चार महीने में चले गए, चंद आदमी चिल्ले में चले गए। चंद का हुक्म चंद का है, कुल का हुक्म कुल का है। यूं कहें सारी कौम तीन दिन तक रोती रही, अल्लाह पाक ने तीन दिन के रोने पर, मर्दों औरतों के रोने पर अजाब को मौकूफ कर दिया, अजाब हटा दिया गया। इसके ज़हन में लिखा है उलमा ने कि अजाब हटेगा किसी कौम का जब वो रोएंगे और तौबा करेंगे और माफी मांगेंगे। आपको किसी दिन तौफीक हो जाए तो सूरह नूह पढ़कर देखो आप, उसमें इस्तिगफार के जो फजाइल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को सुनाए हैं कि रोजी में भी बरकत आएगी, औलाद भी काबू में रहेगी, और नहरों में पानी आ जाएगा, और अल्लाह पाक मुसलसल बारिशें कर देंगे। आप उसको किसी दिन पढ़कर देखो, छोटी सूरत है, दो रुकू,
युग हजरत यूनुस अलैहि सलाम के कौम का अजाब हट गया कयामत तक के लिए। जब किसी इंसान कौम पर, जब किसी जिन कौम पर अजाब आएगा, उसका इलाज सिवाय रोने के कुछ नहीं। क्यों? आसमानी चीज को जमीनी चीजें नहीं रोक सकती। आसमान से कोई चीज नाजिल होगी तो जमीन क्या करेगी? जमीन वाले रोक लेंगे उसको, बारिश को। आसमान वाले के हुक्म को आसमान वाला हुक्म ही बदल सकता है, माफी, तौबा, इस्तिग़फ़ार। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हज़रत यूनुस अलैहि सलाम को भी अल्लाह पाक ने दे दी और उसको कौम को भी दिखा दिया। वो गए जैद कश्ती में बैठे, कश्ती का मल्लाह कहता है हमारी कश्ती में कोई भगोड़ा गुलाम आया है, मैं इतने सालों से चलाता हूँ इसको, कभी इसमें जो है मोहर नहीं आता, आज कोई भगोड़ा गुलाम आया है। तो जब भी कोई भगोड़ा गुलाम आता है, जब इस कश्ती में ये कैफियत पैदा होती है। हज़रत यूनुस अलैहि सलाम तो एतराफी और इकरारी और नबी हैं, कहने लगे भाई मैं हूँ भगोड़ा गुलाम, बगैर अल्लाह की इजाजत क्या है? कौम ने यकीन नहीं, मल्ला ने यकीन नहीं कि आप नहीं हो सकते, आप तो नबी। दोबारा कहा यकीन नहीं आया, तिबारा का यकीन नहीं आया, नौबत आ गई कुरान दाजी की तो उनका नाम आ गया। हम चिल्ले से रुके, चार महीने से रुके और तीन दिन से रुके, नमाज से रुके, तमाम अहकाम से रुके, फिर अपने आप को मुजरिम नहीं समझते दिल में। तीन के लिए तो जमीन तंग हो जाए, सिर्फ एक तबूक को नहीं जा सके, 50 दिन तक तौबा मौकूफ हो जाए और हम यूं समझ रहे हमने कोई कसूर ही नहीं किया। यूनुस अलैहि सलाम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया डालो इनको। डालने लगे तो मछली ने मुंह फाड़ लिया, कहा ये अमानत है, खुराक नहीं है। मछली को बता दिया खुराक नहीं, अमानत है, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और बाद में तो उलमा ने लिखा है 40 दिन। क्योंकि मछली खूब घुमा रही है, 3 दिन के बाद या किसी मुद्दत के बाद निकाला, अब जिस्म ऐसा हो गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर रहा, खाल गल गई। नबियों में हालात आ सकते हैं, हम और आप क्या चीज है? क्योंकि अल्लाह पाक ने कद्दू की बेल को दरख्त बना दिया, पौधा बना दिया, क्यों? कद्दू पर, बेल पर मक्खी नहीं बैठती। अब इनका जिस्म मक्खी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि लो इसको पौधा बना दो, पौधा बन गया, बैठ गए उसके नीचे, खुराक का इंतजाम कर दिया, हरबी को भेज दिया। अल्लाह पाक तो अल्लाह पाक है, नबी माफी मांगे, नबी का अजाब हटा दे। अजाब के माना है उनके ऊपर उनकी कैफियत, जो अल्लाह पाक उनको दर्जा देना चाहते हैं। क्योंकि हालात 2 किस्म के होते हैं, नाफरमानी के साथ आते हैं तो ये गुनाहों की माफी के लिए आते हैं, और अगर नेक जिंदगी के साथ आते हैं, रफे दराजात के लिए आते हैं। अंबिया पर जो हालात आते हैं, उनके दराजात को, मैयार को ऊंचा करने के लिए, तालीम के लिए। तो मेरे बुजुर्गों, अब भी हालात जब आएंगे, माफी मांगना इलाज है, रोना इलाज है। हम अल्लाह की शिकायत करते हैं बंदों से, औरतों से, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये रोक लेगा खुदाई निजाम, खुदाई निजाम से बदलेगा। और खुदाई निजाम का इलाज है आमाल, मामूलात, कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, फराइज का अजाब नवाफिल से नहीं जाएगा, ये भी याद रखना। लाठी बंदूक का मुकाबला नहीं कर पाएगी, नवाफिल से वो अजाब नहीं रुकेगा जो फराइज के तोड़ने पर आएगा। आज उम्मत में नवाफिल का जिक्र तो है, फराइज का तस्करा ही नहीं है। इशराक पढ़े चले जा रहे हैं, चाश पढ़े चले जा रहे हैं, अब अवीन पढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तेरी नमाजें 20 साल की कजा है, 40 साल के रोजे कजा है, और 20 साल की जकात कजा है, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? फराइज के टूटने पर जो अजाब आएगा और वाजिबात के छोड़ने पर जो अजाब आएगा, उसका मुकाबला नवाफिल की अदायगी से हरगिज नहीं होगा। हर दवा हर जगह काम नहीं करती, इसको तो वो पावर की गोली दो। शुगर बहुत हाई है, हर छोटी दवा से नहीं रुकेगी, उसके लिए उस मैयार का, बच्चों की खुराक अलग है, औरतों की खुराक अलग है, बड़ों की खुराक अलग है। फराइज की अदायगी, फराइज के जो है अदायगी पर जो अजाबात रुकेंगे वो अलग होंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम और आप सब फिक्र करें,
कोई नहीं आता खुदा का निजाम जब तक नहीं आता। फमासाबतुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जब कभी दुनिया में कोई किसी को जय मुसीबत आएगी तो उसके हाथों के करतूत होंगे। वयाफवान कसीर, ज्यादा को तो माफ कर देते हैं, थोड़ों की सजा देते हैं। सब मिलकर हम अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राजी करें, सब मिलकर अल्लाह के आगे माफी मांगें। और मेरे बुजुर्गों, माफी उस तरीके से होगी जिस तरह माफी का ढंग है। दो किस्म के अहकाम होते हैं, कुछ अल्लाह के अहकाम हैं अल्लाह के जय मुतालिक, कुछ अल्लाह के अहकाम है बंदों के मुतालिक, जानवरों के हुकूक, इंसानों के हुकूक। हुकूकुल इबाद में अल्लाह पाक काम लेते हैं हक वाले से, जाओ पहले उसे मामला साफ करो। कर्जा जन्नत में जाने से रोक देगा, जिसको सताया है पहले उससे मामला साफ करो। अदालत अलग लगेगी, दुनिया में होता है ना फौजी अदालत है, ये बच्चों की अदालत है, वहां अदालतें अलग अलग लगेंगी। ये हुकूकुल इबाद की है, ये हुकूकुल्लाह की है। बहुत साफ सुथरी जिंदगी करनी पड़ेगी हर एक अल्लाह से अपना मामला सही करे। जब कभी अपना मामला हम अल्लाह से सही कर लेंगे तो हदीस का फैसला जाहिर हो जाएगा। हदीस में क्या आता है, जब बंदा अपने अपने खुदा के दरमियान के मामले को सही कर लेता है, अल्लाह पाक उसके और दूसरों के दरमियान के मखलूक के दरमियान के मामले को सही कर देते। लेकिन इसके ये माना हरगिज हरगिज तो ना समझे, बंदों के हुकूक मार रखे हैं, नमाज पढ़ने से माफ हरगिज नहीं होंगे, हरगिज माफ नहीं होंगे। पड़ोसी को सताता है चाहे तहज्जुद को कितना ही लंबा पढ़ ले, तहज्जुद से ये गुनाह माफ होने वाला नहीं है। गीबत के लिए 1 करोड़ मरतबा इस्तिग़फ़ार कर ले, बिल्कुल इस गीबत माफ नहीं होने वाली चीज। तासीर है, तोबा तो खाती है बुराइयों को और गीबत खाती है नेकियों, खुराक है। साहिबे गीबत से जब तक माफी नहीं मांगी जाए, गीबत हरगिज माफ नहीं होगी। चाहे तू हज पर हज कर ले, चिल्ले में चिल्ले लगा ले, इल्म पर इल्म सीख ले। निजाम है, आंखों से देखा जाता है कानों से नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जिंदगी बहुत साफ सुथरी, सफेद कपड़े पहनने से जिंदगी साफ नहीं होगी, अच्छे अखलाक से, अच्छे बर्तावे से, लोगों के साथ अच्छा मामला। हम अपने अल्लाह के सामने माफी मांगे तन्हाई में, अल्लाह मैं हर जीत आपसे इरादा करता हूँ, आज से कजा नमाज भी पढ़ूंगा, कजा रोजे भी रखूंगा, अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से सबको मुसीबत में गिरफ्तार न कर। फला तुज़क्कू अन्फुसकुम, अपने आप को पाक मत बताओ। मैं तो बेकसूर, उमर तो के बाद हम तो हर महीने 3 दिन लगाते हैं, हम तो हर महीने 4 महीने, हर साल 4 महीने लगाते। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ज़ुलैखा से नहीं उलझे, लेकिन फिर भी 13वें पारे में क्या कहा उन्होंने, वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता। ये अल्लाह का फरमान नहीं है, ये तो यूसुफ अलैहि सलाम का खुद का इरशाद है, मैं अपने नफ्स को बरी करार नहीं देता, नफ्स को बुराइयों की बहुत कहता है। हालांकि नहीं उलझे, ज़ुलैखा ने बाद में कहा, ज़ुलैखा से बाद में कहा, ज़ुलैखा अब तो मुझसे मोहब्बत कम करती है, जब ज्यादा करती थी। क्या कहती है ज़ुलैखा, औरत ने मर्दों को जवाब दिया है सारी दुनिया में कयामत तक के लिए, कहा जब मैं आपसे मोहब्बत करती थी, जब मैं खुदा को नहीं जानती थी, मैं खुदा पर ईमान नहीं लाई थी, और जब से खुदा पर ईमान लाई हूं, मेरे दिल से सब गैर खुदा की यही मोहब्बत निकल गई, उस दर्जे की मोहब्बत नहीं है जिस दर्जे की मोहब्बत अल्लाह से, बस अब सब की कमर। ज़ुलैखा कहने लगी, सुलेमान नहीं, यूसुफ अलैहि सलाम कहने लगे ज़ुलैखा से, अब अच्छी है कि जब अच्छी थी तू मुझे फंसा रही थी। फरमाया यूसुफ अलैहि सलाम को ज़ुलैखा ने, खुदा ने बचा लिया आपको। मैं बच गया, मैं बच गया। ज़ुलैखा ने साफ सुथरे लफ्जों में कहा, यूसुफ अलैहि सलाम को अल्लाह हमें आपको बचा लिया, वरना मेरा मर्द ना मर्द था, अजीज मिस्र ना मर्द था। इन तमाम वाकयात की रोशनी में ये मालूम होता है, माफी अल्लाह से मांगे, मामला अल्लाह से सही करें।
और किस पर क्या नहीं आएगा। लंबी वो बात और एक जुमला कह के खत्म करता हूं। यूं कहे जुलेखा बूढ़ी हो गई, अंधी हो गई और लागर हो गई, बहुत परेशान। और यूसुफ अलैहि सलाम महीने में एक मर्तबा या हफ्ते में एक मर्तबा बहुत सारी सवारियों के साथ, घोड़ों के साथ, बड़ी तादाद के साथ निकलते थे पूरे मिस्र में। नीलों उनकी दूर जाती घोड़ों की आवाज। जुलेखा मिलना चाहती है यूसुफ अलैहि सलाम से, तो किसी ने कहा आ जाना, वो उस दिन जाएंगे, सामने आ जाना। सामने आई अंधी बुढ़िया, बहुत माजूर। अब यूसुफ अलैहि सलाम ने पहचाना नहीं ये कौन है। बुढ़िया सामने आई, कहा इनको कहो बाद में आके मिले। तो जुलेखा क्या कहती है, लिखा है तफसीर यूसुफ जी इस किस्से की तफसीर में, वाह जी वाह खुदा, गुलाम तो बादशाह बन गए अपनी नेकी से, और बादशाह फकीर और गुलाम बन गए अपनी बुराई से। देखती रही और कहती रही, समझ में नहीं आया आपको क्या कहती है वो, वाह रे वाह खुदा, गुलामों को तो बादशाह बना दे उनकी नेकी से, और बादशाहों को तो फकीर बना दे उनकी बुराई से। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं कहा उन्होंने, हर एक को कहा, हर एक को कहा। ज़कात देने वाले ज़कात लेने वाले बन सकते हैं, जिनकी आपने मदद की है ना वो आप जैसे हैं। अल्लाह किसी को कहीं भी कर सकता है। दो मियां बीवी खाना खा रहे, फकीर ने दस्तक दी, बीवी गई लेकर के बेचारे को दे दे कुछ। क्योंकि फकीर को देखकर बीवी रोने लग गई, बेहोश हो गई। बहुत देर के बाद ये शोहर आया, क्या हुआ। आकर क्या देखता है कि बीवी तो बेहोश पड़ी है और वो फकीर वहां खड़ा हुआ है। उसने कहा तूने क्या किया, ये क्या किया तूने। भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। पानी पिलाया, होश में आई किसी तरह। कहने लगी क्या कहा था इन्होंने तुझे, क्या किया था। कि इन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं इससे पहले इन्हीं के निकाह में थी, तुझसे पहले इन्हीं के निकाह में थी, खाना खा रहे थे हम दोनों मियां बीवी, और इसी तरह किसी ने दस्तक दी तो इन्होंने, जो ये खड़े हैं, इन्होंने ऐसा मारा उस फकीर को। कहने लगा वो फकीर मैं हूं, वो फकीर मैं हूं। ये किसस नहीं है, ये वाज नसीहत है, इबरत है। वहां कहीं को कहीं खड़ा कर सकता है वो। कुरान की कई आयतों में ये आता है, हम निजामे आलम बदलते रहते हैं, वरना लोग मस्जिदों को, लोग इबादत खानों को बर्बाद कर दें। वलो लादफुल्लाहिन नास, अगर हम लोगों को आपस में न टकराएं, ये कुछ का कुछ कर दें। ठीक है, अल्लाह पाक छूट देते हैं तो मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह की मेहरबानी है, तोबा के लिए इस्तिगफार के लिए छूट देते। बहुत बड़ा निजाम है, ऐसे नहीं चल रहा सारा। मोहलतें दी जाती हैं तोबा के लिए, जब मौके दिए जाते हैं, होश में आ जाएगा, बहुत अच्छा है। मोमिन आदमी उस घोड़े की तरह है जिसको उसकी रस्सी वापस ले आए कि तेरी हद है बस, तुम वापस आ जाए। हदीस में आता है सुबह का जय मार खाया हुआ शाम तक तोबा कर ले, शाम वाला सुबह तक तोबा कर ले, खैर पे। तमर्रुद और सरकशी नमरूद की पसंद नहीं है तो फिर किसी की क्या पसंद है। इसलिए मेरे बुजुर्गों होश में आना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। यूं कहें जुलेखा कह रही है वाह जी वाह अल्लाह वाह अल्लाह वाह अल्लाह। अब आप भी तो परेशान हैं, ये हर साल जो है 4 महीने लगाते हैं, और माशाल्लाह ये जो है बैरून का सफर भी करते हैं, कहां से दे रहे हैं, महल्ले से चंदा मांग रहे हैं। अल्लाह दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह दे रहे हैं अल्लाह। निजाम खुदाई है। वो एक प्याले को बहुत सारे लोग सहाबा के लिए काफी कर दे तो वो बरकतें कयामत तक चलेगी। जब चाहें वो चंद किलो अनाज में, एक बकरी में
इतनी बरकत दे दें कि सारे खंदक वाले खा लें और फिर कुछ कमी ना आए, तो निजाम है खुदा का, निजाम है खुदा का। अल्लाह जब चाहे चलाएं, जैसे चाहे चलाएं, जिस पर चाहे चलाएं। तो मेरे बुजुर्गों, तकरीर की बात नहीं है, अर्ज यह है हम अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से माफी मांग लें। ए अल्लाह, मुझसे ही गलती हुई है, मैं जानता हूं सारे आलम में मेरी वजह से बिगाड़ है, छह की वजह से। अगर पूरे जय हाजियों का हज कबूल हो सकता है, पता नहीं किसकी तोबा खुदा को पसंद आ जाए और निजाम बदल जाए। निजाम आसमान से बदलेगा, किसी से नहीं बदलने वाला, किसी से बदलने वाला कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं बादशाहों का बादशाह हूं, जब लोगों के अमाल अच्छे होते हैं तो अच्छे आदमियों को लाता हूं, वरना मैं जो चाहता हूं करता हूं। खुदा ही डंडा है, डंडे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, डंडे वाले से मामला साफ करने की जरूरत है। हम कह रहे डंडा रहम का, डंडे से क्या होता है? बादलों में बारिश नहीं है, मनी के कतरों में औलाद नहीं है, औलाद तो खुदाई अम्र में, रोजी तो खुदाई हुक्म में है। इसलिए हम तो गश्तों में जमेंगे, तालीम में जमेंगे, हम तो वहीं आ जाएंगे, हम तो एक एक की मुलाकात करेंगे, एक एक को खुशामद करके लाएंगे, तीन दिन दगाएंगे, चिल्ले लगाएंगे, चार महीने लगाएंगे, जो मानेगा उसके भी यह सलाम करेंगे, जो नहीं मानेगा हम किसी से लड़ाई मोल नहीं लेंगे। हमारा काम सुलह का है, तफरीकी जुमले नहीं बोलेंगे, मैं फुला हूं, मैं फुला हूं। अल्लाह के नबी के सामने एक सहाबी, एक साहब, एक सामने वाले को मुकाबला वार कर रहे थे और क्या कहने लगे जोश में, ले ले जा, और मैं फारसी हूं। सहाबी से निकल गया, कहा ले ले जा वार करते हुए, और मैं फारसी हूं। अल्लाह के नबी ने इस जुमले को पसंद न किया, फरमाया ये जुमला ठीक नहीं, मुहाजिरी कहो या अंसारी कहो, ये निस्बत ठीक नहीं, मैं फारसी हूं, ये फुलां ये फुलां ये कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह है, खिंजीर चरवा दे उस लकड़ी से जिसको हदीस के पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता हो, और उनसे अल्लाह अल्लाह है शैतान को शैतान बना दे, वरना ये शैतान थोड़ी था, ये तो आबिद है, आलिम है, फरिश्तों को पढ़ाता था जिन होकर। हमा वक्त खुदा से डरे आदमी, हमा वक्त खुदा से डरे। खुदा का इल्म ये भी समदियत रखता है, और खुदा का हरफेर हिकमत से खाली नहीं होता। हम तो बहुत चौकन्ना, अपना मामला अल्लाह से, मेरा मामला अल्लाह से, रात की तन्हाइयों में, दिन की तन्हाइयों में अपने खुदा से बना के रखें, फिर हमें किसी की परवाह नहीं है, और अल्लाह से बिगड़ गई तो फिर कोई बनाने वाला भी नहीं। और सजदा सऊदा उस पर वाजिब होता है जो नमाज पढ़ता है, जो नमाज नहीं पढ़ता उस पर सजदा सऊदा थोड़ी होता है। मेरे बुजुर्गों, जी ठोकर उसको लगेगी जो चलेगा, जो चलेगा नहीं उसको क्या ठोकर लगेगी। निजाम खुदा का ईमान वालों पर, ईमान वालियों पर मौकूफ है, बाकी सारी दुनिया तो इनके तुफैल में है, तुफैल ही है। इसलिए हम तो बहुत चौकन्ना, बहुत चौकन्ना। तीन सहाबी 50 दिन तक परेशान हो जाएं और हम वक्त पर वक्त न लगाएं और परेशान ना हो, मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। और अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, अल्लाह के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। वो तो जकरिया को दे दे यहया, वो मरियम को दे दे ईसा, और वो आदम को दे दे हव्वा, और वो मिट्टी को दे दे आदम, ये उनकी कुदरत है, और वो दोनों झक मारे सारी जिंदगी कुछ नहीं। निजाम खुदाई है, निजाम खुदाई है। वो अपने काबे को डहा दे और अपने काबे में जय बुत रखवा दे, वो बहुत समझ जात है। कौन हो? हम तो हम वक्त उसे डरे, अल्लाह। हदीस इसमें आता है, हजरत जाफर फरमाते हैं जब आदमी 7 दफा या रब कहता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे क्या चाहता है बता,
हम तो या रब कहकर माफी मांगे, वरना सूरह साफात में लिखा है, अल्लाह पाक ने बताया है, लबी सफी बतन ही लाउन, अगर ये यूनुस माफी न मांगते, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, न कहते लबी सफी बतन ही लाउन, कयामत तक ये जय मछली के पेट में रहते। इससे पता लगा इलाज खुदा के अजाब से निकलने का माफी मांगना, वरना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे घरों में रहो और तुम्हें सुकून नहीं। आदमी आदमी है, बहुत मजबूरी है, इसलिए मेरे बुजुर्गों अल्लाह से मामला, अल्लाह से मामला, औरतों को भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करेंगे, वरना वो जब चाहेंगे जहां से चाहेंगे जिस तरह चाहेंगे करके दिखाएंगे, किसी की मनमानी नहीं चलती। ठाटे मारते समंदर में सड़क बनाना और सड़कों को पानी में मुंतकिल कर देना, यह उनकी कुदरत कयामत तक के लिए है, सिर्फ एक कौम का किस्सा नहीं है। डंडे को अजदहा, अजदहा को डंडा, बने हालात को बिगाड़ना, बिगड़े हालात को बनाना, ये उनके ऐन सिफत है। खालिक व मालिक, व मालिक यौमिद्दीन, वो खालिक है, किसी के मशवरे का मोहताज नहीं है। फरिश्ते राय देंगे तो हम इंसान बनाएंगे, निजाम खुदा का है, खुदाई। फारसी वाले सिर्फ खुदा के खुदा कहते हैं, वो खुद है। फारसी वाले खुदा को खुदा कहते हैं, वो खुद है, वो किसी से मुरक्कब नहीं है, वो किसी से मोहताज नहीं है, वो किसी से जहर नहीं है, तो खुद है बिनफ्सी ही। हम सब अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगने का रास्ता ये है, जितने अमाल और अहकाम उसके हमारे ऊपर लागू हैं, उन कवानीन को, लाल बत्ती से आदमी गुजरता है और दाएं बाएं देखता है, कप कपाता रहता है, तू खुदा का हुक्म तोड़े और तू न डरे, ये तेरे ईमान के न होने की निशानी है, तेरे अंदर खौफ खुदा है ही नहीं, तेरा दिल मुर्दा हो चुका है। हम अल्लाह से करेंगे, अल्लाह हो गई हो गई। वो आदम को 40 साल रुला सकता है, आदम की औलाद को कैसे नहीं रुलाएगा? बहुत सोचे हैं, बहुत सोचे हैं, बहुत सोचे हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 80 साल के होकर ताइफ में गए तो कहने लगे उनसे लोग, ज्यादा न रोया करो, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। तो क्या फरमाते हैं, मा फ़ाइदतुल उयून इज़ा मा बकैना, हम अगर रोए नहीं तो आंखों का फायदा क्या? आंख रोने के लिए, देखने के लिए नहीं। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रोना नहीं आवे तो रोने की शक्ल बना लो। इसलिए मेरे बुजुर्गो, सहाबा पर जमीन तंग हो जाए अदम खुरूज की बिना पर, तो ये कयामत तक के लिए, जब ये मोमिन हिजरत को छोड़ देगा, खुरूज को छोड़ देगा, इसके हालात अबतर बन जाएंगे, अबतर हालात इसके तंग हो जाएंगे। आज अजीब बात यह है, जकात देने वाला जकात पे शुक्र अदा करता है, न जकात देने वाला कहता मेरी गलती है, लेकिन जमात में जाने वाला शुक्र भी नहीं अदा